भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज से भी बाहर है और इस तरह भारतीय टीम में उनकी वापसी में समय ज्यादा लग सकता है। बुमराह को पिछले हफ्ते इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद निजी कारणों से टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया था और अब उनकी एक दिवसीय श्रृंखला से भी बाहर रहने की आशंका है। बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भी आराम दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवर क्रिकेट से बुमराह की अनुपस्थिति से भारतीय टीम प्रबंधन को नए खिलाड़ियों को आजमाने का मौका मिलेगा। T20 सीरीज 12 मार्च से अहमदाबाद में शुरू होगी जबकि एक दिवसीय सीरीज 23 मार्च से पुणे में जायु सुरक्षित वातावरण में दर्शकों की गैर मौजूदगी में शुरू होगा। जसप्रीत बुमराह पहले T20 सीरीज से बाहर थे, फिर उन्हें वनडे टीम में मौका ना मिलना ये सवाल जरूर उठता है कि बोर्ड और बुमराह के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है क्योंकि ये खबरें तीसरे टेस्ट के बाद उठनी शुरू हुई जब चौथे टेस्ट के लिए बुमराह ने निजी कारणों से खुद को बाहर कर लिया। गौरतलब है कि तीसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को मात्र 6 ओवर मिले थे जिसमें उन्होंने 19 रन दिए थे। यही नहीं, ये उनके टेस्ट करियर का संभवतः पहला मैच होगा जिसमें उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया। 19 मैचों में 83 टेस्ट विकेट ले चुके बुमराह जल्द से जल्द 100 विकेट लेना चाहते हैं, लेकिन तीसरे टेस्ट जैसे मैच उनकी इस उपलब्धि में रोड़ा साबित हो सकते हैं। हो सकता है इस कारण भी उन्होंने चौथे टेस्ट से अपना नाम वापस लिया हो। भारतीय पिच पर पहले टेस्ट सीरीज खेल रहे बुमराह तो यही सोचेंगे कि मैं सपाट और स्पिन की मध्यगार विकेट पर क्यों खेलूं। विदेशी पिचों पर बुमराह ज्यादा असर कारक है जहां वो ढेरों विकेट लेते हैं, ऐसे में उनकी ऊर्जा भी बचेगी और अनुकूल परिस्थितियों में ही उनका उपयोग होगा। हालांकि बुमराह का ये सोचना शायद BCCI को नहीं पाया है, इसलिए वो वनडे सीरीज में नए गेंदबाजों को मौका देने का मन बने रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरा गवाह है कि किसी भी सीनियर खिलाड़ी को अपनी जगह पक्की नहीं मानना चाहिए। कौन रातों रात कब स्टार बन जाए कुछ कह नहीं सकते। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी अब IPL 2021 में ही संभव लग रही है। इतना लंबा आराम उनकी फिटनेस के लिए तो सही है, पर ऐसे में अंतिम 11 से जगह जाने का डर भी लगा रहता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था अभी का न्यूज़, क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज़ की चैनल में डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।